आज हमारे पास है Infinix Hot 20 Play। इस फोन के कैमरा के अंदर बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलता है। आज इस वीडियो में Infinix Hot 20 Play के अंदर कैमरा का टॉप 15 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जब आप लोग कैमरा ओपन करोगे ऐसा इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा। सबसे ऊपर यहाँ पे सेटिंग दिखाई देगा, सेटिंग के अंदर आओगे यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप ज्यादा टिल्ट होके पिक्चर वगैरह खींचते हो तो ग्रिड का ऑप्शन ऑन कर देना, आपका पिक्चर खींचने का जो तरीका है वो सही हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे टच पिक्चर भी दिया गया है। कैमरा ओपन है, अगर आप टच करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख लीजिए पिक्चर क्लिक हो जाएगा। वाटर मार्क का ऑप्शन दिया गया है, किसी भी पिक्चर खींचते हो और उसके नीचे यहाँ पे वाटर मार्क दिखाई देगा, यहाँ पे जैसे कि दिखाई दे रहा है Infinix Hot 20 Play। तो इस तरीके से अगर आप वाटर मार्क दिखाना चाहते हो सेटिंग के अंदर आके वाटर मार्क को इनेबल कर सकते हो। सेटिंग के अंदर यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर शूटर भी दिया गया है। बेसिकली फिंगरप्रिंट सेंसर में टैप करोगे कैमरा ओपन होने के बाद तो यहाँ पे देख लीजिए पिक्चर, यहाँ पे जितने बार करोगे उतने बार यहाँ पे देख लीजिए पिक्चर आप खींच पाओगे। यहाँ पे फ्लैश लाइट दिया है, फ्लैश लाइट का भी एक बेहतरीन फीचर है। अगर आप सेल्फी कैमरा ओपन करते हो, सेल्फी कैमरा में कई बार फ्लैश लाइट नहीं होता है लेकिन इस फोन में दिया गया है। फ्लैश लाइट के ऊपर टैप करके ऑन करोगे तो यहाँ पे सेल्फी कैमरा में भी फ्लैश लाइट दिखाई देगा। बहुत बेहतरीन फीचर है, अच्छा फीचर है। यहाँ पे कलर में आने के बाद तरह तरीके का कलर दिया है, कोई भी कलर को आप चुन सकते हो। ब्यूटी के अंदर आने के बाद ब्यूटी मोड में पिक्चर खींच सकते हो। यहाँ पे टैप करने के बाद ये जो AI है इसको आप ज्यादा करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए ज्यादा ब्यूटी मोड इनेबल हो जाएगा। पोर्ट्रेट मोड में आने के बाद पोर्ट्रेट पिक्चर वगैरह खींच सकते हो लेकिन यहाँ पे आप लोग डेप या जो बैकग्राउंड ब्लर है उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वीडियो में आओगे जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे देख लीजिए फुल HD यानी कि 1080p 30fps में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 60fps का ऑप्शन नहीं दिया है। आप चलो गैलरी के अंदर, गैलरी के अंदर कोई भी पिक्चर के अंदर आ जाना। यहाँ पे एडिट में आओगे ना, एडिट में आने के बाद यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो, एडिट में जाने के बाद क्रॉप वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी आप लोग टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो और आपके हिसाब से फॉन्ट स्टाइल को भी चुन पाओगे, कलर वगैरह को भी आप लोग बहुत आसानी से चुन सकते हो। पिक्चर खींचने के बाद वाटर मार्क के ऊपर टैप करोगे तो तरह तरीके का नीचे में बहुत सारे एनिमेटेड या इमोजीज दिया गया है, कोई भी इमोजीज को यहाँ से चुन सकते हो, फ्रेम सेट कर सकते हो या बुके इफेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे सिर्फ इतना ही बुके इफेक्ट चाहिए, मुझे जितना फोकस में चाहिए उतना फोकस में लूंगा और बाकी सारे यहाँ पे ब्लर कर दूंगा। अभी सेव करने के बाद अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा थोड़ा ब्लर भी हो गया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा सेव होने के लिए। अभी देखिए यहाँ पे जो डी था वो स्लाइटली ब्लर हो गया है। इस तरीके से कोई भी पिक्चर में आप लोग बुके इफेक्ट को लगा सकते हो। पिक्चर के अंदर थ्री डॉट में आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को वॉलपेपर का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आके वॉलपेपर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। ये था Infinix Hot 20 Play का कैमरा फीचर्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।